दोस्तों आज से किसान आंदोलन शुरू हो गया है। ये बैरिकेड तोड़ते हुए किसान 5000 प्लस मॉडिफाइड ट्रैक्टर के साथ में फार्मर प्रोटेक्शन के लिए दिल्ली कूच की तैयारी में है। इनका उद्देश्य किसी भी तरह आंदोलन तो नहीं दिख रहा, बल्कि अराजकता फैलाकर चुनावी समीकरण बदलने की ख्वाब। इस सोरस टूल किट से परेशान पंजाब की बूढ़ी माँ का गुस्सा चरम पर है। क्या ये सच में किसान आंदोलन है या फिर कुछ और है? पिछले घटनाओं से लगता है कि कुछ और ही है, जैसे किसी राजनीतिक लक्ष्य का एजेंडा है और उसे पूरा करने के लिए विदेशी ताकतों का भी सहारा लिया गया है। दोस्तों इस घटनाक्रम को गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है। 16 नवंबर 2023 को कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के बेहद करीबी दीपेंद्र हुड्डा ने प्रोफेशनल किसान आंदोलन व्यवस्थापक रमनदीप सिंह बान से मुलाकात की। क्या ये प्लानिंग थी और किस लिए? फिर 24 नवंबर 2023 को रमनदीप सिंह मान ने एक रैली का ऐलान किया। जो मोदी सरकार है वीरे, ये पंजाब नूं चंगा चंगा सामंदी ते पंजाब नूं चंगा नहीं सामंदी तां सानूं छड्ड दो, तां सानूं लग खालिस्तान बना दो। 30 नवंबर 2023 को दीपेंद्र हुड्डा यूएसए में सैम पिट्रोडा के निमंत्रण पर थे। क्या विदेशी लोग इस आंदोलन को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं? नस्लां नूं जे आजाद कराउणा है ते खालिस्तान रेफरेंडम दी वोटां दी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है, जल्दी साथ देना आजादी दा। तुसी 13 फरवरी नूं मोदी दी हिक ते होवेगा झंडा खालिस्तान दा। 10 दिसंबर 2023 को दीपेंद्र हुड्डा ने किसान रैलियों की सीरीज शुरू। उसके नेक्स्ट डे 11 दिसंबर 2023 को प्रोफेशनल किसान आंदोलन व्यवस्थापक रमनदीप सिंह मान ने चंडीगढ़ में दूसरे प्रोफेशनल फार्मर प्रोटेक्शन के साथ मुलाकात की और ये गरीब किसान स्टारबक की कॉफी पी रहे हैं। उसी दिन 11 दिसंबर 2023 को उन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया। इस योजना के पीछे दूसरे मुख्य करेक्टर भी हैं, जैसे कि गुरुराम नीत मंगत। वो एक कांग्रेसी पैनलिस्ट थे लेकिन अब एक प्रोफेशनल फार्मर प्रोटेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। देश, भारत का देश संविधान से चलेगा, मनुवाद और मनुस्मृति से नहीं चलेगा। आज यहाँ कुछ तस्वीरें हैं गुरुराम नीत मंगत की कांग्रेसी के रूप में। गुरुराम नीत मंगत इतना गरीब किसान है कि वो सिर्फ सस्ते देश जैसे कि मलेशिया और यूके में ही घूम सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास किसान आंदोलन 1 का अनुभव है और गलती से दूसरे किसान भी उनके साथ कांग्रेसी हैं। चलिए फिर से समय रेखा पर लौट आते हैं। 24 दिसंबर 2023 को प्रोफेशनल किसान आंदोलन व्यवस्थापक रमनदीप सिंह मान ने कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह और गुरदीप सिंह सप्पल से मुलाकात की। अगले दिन 26 दिसंबर 2023 को रमनदीप सिंह मान ने फिर से कांग्रेसी नेता दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की और 27 दिसंबर 2023 को वो दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से मिले। 30 दिसंबर 2023 को उन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च करने की तिथि का ऐलान कर दिया। 2 जनवरी को उन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च करने की डेट 13 फरवरी घोषित कर दी। 8 जनवरी 2024 को रमनदीप ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। 10 जनवरी 2024 को रमनदीप गुरुराम नीत और दूसरे प्रोफेशनल प्रोटेक्टर चंडीगढ़ में मुलाकात करते हैं। अगले दिन ही वो अपनी योजना के मुताबिक तैयारी शुरू कर देते हैं। अब देखिए कौन संभाल रहा है किसान आंदोलन 2 का वार्ड रूम। कल राहुल गांधी ने अपने कैडर को सरकार बदलने के लिए फार्मर प्रोटेस्ट 2 एकाकी कांग्रेस आंदोलन की मदद से अगवा की। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि कांग्रेस नेता गुरुमनीत मंगत जो किसान आंदोलन 2 का वार रूम संभाल रहे हैं वो भिंडरा वाले के समर्थक हैं।
क्या ये सिर्फ कोई राजनीतिक खेल है या फिर कुछ और? क्या ये सब कुछ किसान आंदोलन है या फिर कुछ और? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक लक्ष्य है और क्या विदेशी दुश्मन इसका फायदा उठा रहे हैं? आने वाले समय में सब सामने आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में इस आंदोलन के बारे में जरूर लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।